दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में मैं हूं आशुतोष शुक्ला सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और इस होली के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मी जी एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में और ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है जैसा कि हम आपके साथ जो भी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती रहती हैं उनके बारे में उनकी अपडेट्स के बारे में आपके लिए लेके आते रहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए देखते हैं आज की वैकेंसी के बारे में तो गाइज ये जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है ये आई है एस के थ्रू एस एस स्टाफ सेलेक्शन कमीशन एसएससी के थ्रू वैकेंसी आई है जिस एसएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी ये जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट के लिए और ये ऑल ओवर इंडिया अलग अलग हॉस्पिटल्स में इसमें पोस्ट है और अलग अलग हॉस्पिटल्स में रिक्रूटमेंट होगा तो यहाँ पे ये जो इस वैकेंसी के डिटेल वो आप देखने के लिए इनका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको देखने के लिए और इसके फॉर्म को फिल करने के लिए आप एस एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एस एस सी डॉट निक डॉट इन पर इस वेबसाइट वैकेंसी को देख सकते हैं और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है वो है एलिजिबिलिटी क्योंकि फार्मेसिस की वैकेंसी में बहुत बार ये आता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि ये वैकेंसी डिप्लोमा के लिए है बैचलर्स इसको नहीं फिल कर सकते या बैचलर्स के लिए है डिप्लोमा के कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते बट यहाँ पर बहुत ही अच्छा है कि डिप्लोमा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी दोनों ही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं बट यहां पे डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट्स के, के लिए एक छोटी सी कंडीशन इन्होंने रखी है वो कंडीशन ये है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट्स के, के पास दो साल का एज अ फार्मासिस्ट वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है आपका लगभग आप सभी आ, अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद कुछ ना कुछ कर रहे होंगे तो उसका आप यहां पे एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं और इसका इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सबमिट होने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 मार्च 2023 से फिल होना शुरू हो गया और इसकी लास्ट डेट है 27 मार्च 2023 और पेमेंट की जो यहां पे लास्ट डेट है वो है 28 मार्च तो लास्ट डेट यहाँ पे सत्ताईस मार्च है आप सभी लास्ट डेट के पहले पहले जल्दी से फॉर्म को फिल कर दें क्योंकि कई बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम सर्वर प्रॉब्लम की वजह से लास्ट डेट पे फॉर्म सबमिट नहीं हो सकते हो पाते हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से मिस हो सकती है तो इस अच्छे अवसर को जाने ना दें और जल्द से जल्द फॉर्म को फिल करें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और यहाँ पर ये यह करेक्शन के लिए जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसके करेक्शन के लिए तीन अप्रैल से पांच अप्रैल के बीच में करेक्शन के लिए भी पोर्टल खुलेगा और डेट ऑफ एग्जाम यहाँ पे भी यहाँ पे एक डेट ऑफ एग्जाम भी इन्होंने दी हुई है तो एग्ज़ाम की जो डेट है वो जून जुलाई मंथ में प्रपोज है और ये टेंटेटिव डेट है मींस इसमें हो भी सकते हैं या कुछ बदलाव भी हो सकते हैं ये कंफर्म डेट नहीं है और यहाँ पे जो फीस है इस फॉर्म वैकेंसी में जो भी ऐसा एस एस सीज थ्रू जो भी वैकेंसीज आई हैं उनके लिए जो फीस है वो हंड्रेड फीस है एक पोस्ट के लिए अगर कोई कैंडिडेट अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको सेपरेट फी फी पेड करनी होगी और वुमेन एस सी एस एस सी एस टी पर्सन विध डिसबलिटी और एक्स सर्विस मैन के लिए ये फ़ीस एग्जामड है उनके लिए कोई भी फीस नहीं होगी और एज रिलैक्सेशन जो भी एज पर रिजर्वेशन जो भी एज रिलैक्सेशन है वो सभी एप्लीकेबल होंगे स्कीम ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सी बी टी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर होगा हंड्रेड कोशनस होंगे उसमें और मार्क्स होंगे दो सौ नंबर का दो सौ नंबर का क्वेश्चन होगा सौ क्वेश्चन होंगे यानी एक क्वेश्चन आपका दो नंबर का होगा और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है यानी एक गलत क्वेश्चन पे आपके आधे नंबर कट जाएंगे, सा एक घंटे का क्वेश्चन पेपर आपका होगा और यहाँ पे जो मेन एक ध्यान देने वाली बात है आप इसे कह सकते हैं अच्छा कह सकते हैं या ये बैड न्यूज़ भी है वो इसलिए कि यहाँ पे डिप्लोमा और बी फार्मा यानी फार्मासिस की वैकेंसी के लिए फार्मेसी का कोई भी सिलेबस नहीं है सबके लिए एक ही तरीके का एग्ज़ाम होगा क्योंकि एसएससी जो, जो यहाँ पे एजुकेशन का जो लेके चलती है वो मैट्रिकुलेशन और टेन प्लस टू लेवल लेके चलते हैं कि इस पोस्ट पे मैट्रिकुलेशन लेवल अप्लाई है या टेन प्लस टू लेवल अप्लाई है तो इसी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ये पेपर सेट करते हैं तो यहाँ पे एस एस मान के चलती है कि आपने आ, जिस भी पर्टिकुलर डिग्री में पढ़ाई की आपने डी फॉर्म और बी फॉर्म किया है तो आपके पास सफिशेंट नॉलेज है फार्मेसी का फार्मासिस्ट बनने के लिए बट इस पोस्ट को क्रैक करने के लिए आ, इस पोस्ट में सेलेक्ट होने के लिए आप द, हाई स्कूल या इंटर लेवल का एक पेपर दे दें और उस पर पास हो जाए तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं और इसमें आपको जनरल एलिजिबिलिटी जनरल अवेयरनेस क्वालिटी अप्लीट्यूड और इंग्लिश के ये चार पेपर्स होंगे और इसका सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नोटिफिकेशन के लिंक से मिल जाएगा और जो टोटल पोस्ट है वो सेवेंटी थ्री पोस्टें हैं जिसमें कि छियालीस पोस्ट एलोपैथिक के लिए बारह आयुर्वेदिक के लिए आठ होम्योपैथिक के लिए और दो यूनानी के लिए यानी टोटल सेवेंटी थ्री पोस्ट हैं और छियालीस पोस्टें एलोपैथी के लिए हैं तो गाइज ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है एस के थ्रू है पे स्केल भी अच्छा होगा बेस्ट जॉब है तो आप सभी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इस फॉर्म को फिल जरूर करें और अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करें दो से तीन महीने का आपके पास समय है तो उस पर हम आप फिल कर सकते हैं और एस एस सी में दो हज़ार इक्कीस से आप देखें दो हज़ार इक्कीस दो हज़ार बाईस और दो हज़ार तेईस हर साल वैकेंसी आ रही है पिछले साल के कंपेरिजन में अभी कुछ वैकेंसी कम है बट हर साल वैकेंसी आ रही है तो गैस ये थी डिटेल अबाउट द फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि एस के थ्रू ये वैकेंसीज आई हैं तो सभी एलिजिबल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल जरूर करें आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं थैंक